काटोगे जब हरा वृक्ष तो हवा कहाँ से पाओगे। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्य मुनि के भौंसारी में पर्यावरण प्रेमियों के एक समूह ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ऐसा काम कर दिखाया है जो पूरे सूबे में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल पर्यावरण प्रेमियों के अथक प्रयास के कारण ही बंजर पड़ी पथरीली जमीन आज हरियाली की चादर से ढक गई है, जिसके चलते पर्यावरण प्रेमियों के जज्बे ने यह दिखा दिया है कि भले ही डगर कठिन हो लेकिन बुलंद हौसलों से कोई भी कार्य आसान हो जाता है। बता दें कि रुद्रप्रयाग के भौंसारी का ये क्षेत्र पेड़ विहीन था, इस पूरे पहाड़ पर एक भी पेड़ नहीं था। हालांकि भौंसारी गदेरे के पानी से करीब क्षेत्र के एक दर्जन गांवों की पेयजल आपूर्ति होती थी, लेकिन कुछ सालों से गर्मियों के समय में ये पानी भी सूख जाता था। ऐसे में पर्यावरण प्रेमी सत्येंद्र भंडारी, रमेश पहाड़ी, सुभाष पुरोहित और सुबोध कुंजवाल ने साल 2019 में तत्कालीन जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल के मार्गदर्शन में इस नंगे पहाड़ को मिश्रित वन में तब्दील करने की मुहिम शुरू की। इस मुहिम के तहत ग्रामीण महिलाओं की समितियां बनाकर बांझ, बुरांश, देवदार, पहिया के पौधे रोपे गए जो आज पेड़ का आकार लेने लगे हैं। ये बहुत सारी गदेरा है, इस गदेरे से लगभग 40-42 गाँव का पानी जाता है। 2019 में जब हमारे घिल्डियाल जी, मंगेश घिल्डियाल जी जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग थे, तो मैंने सर से निवेदन किया था कि सर एक गदेरा है हमारे पास जहाँ एक भी पौधे नहीं है और वहाँ से 40-42 गाँवों का पानी जाता है। हम वहाँ पे प्लांटेशन करना चाहते हैं, बांझ लगाना चाहते हैं, चाल खाल खंतियाँ बनाना चाहते हैं। तो सर ने सहज स्वीकृति दी और सर के असीम सहयोग से 2019 से हमने चरणबद्ध तरीके से हर साल और लगभग हर महीने और हर हफ्ते हम यहाँ प्लांटेशन करते हैं। उसकी बदौलत, हमारी मातृशक्ति की बदौलत, हमारी बहनों के बदौलत इन पेड़ों की आज संख्या लगभग 6000 से ऊपर यहाँ पे है, जिसकी प्रतिशतता 80 और 80 से। बौसारी वाटरशेड फाउंडेशन के तहत ढौंडीक, आगार, क्वीली, कुरझड़, मदुला, कोटगी, भटवाड़ी के गांवों की महिलाओं द्वारा हर साल यहां पौधे रोपे जाते हैं। समितियों की दो दो महिलाओं को रोपे गए पौधों की देखरेख और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके लिए महिलाओं को अल्प मानदेय भी दिया जाता है। पिछले 5 सालों में इस पूरे क्षेत्र में 17,000 पौधे लगाए गए हैं, जिसमें 13,000 करीब बांझ के पेड़ हैं। इस साल भी फाउंडेशन द्वारा 5,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं द्वारा निरंतर देखरेख का ही नतीजा है कि आज ये पौधे पेड़ का आकार लेने लगे हैं और करीब 6 से 8 फीट तक बढ़ चुके हैं। सुमित्रा देवी, हम तो 14 साल है गई। हम तो मंगलेश घंडियाल जी, भंडारी जी, पहाड़ी ताऊ जी, सब उस सहयोग से हम 14 साल है गई। हम तो यहाँ डाला 4 गाँव के लोड़ी से, हम आगरा ढोने कोयली कोर जाने लोड़ी से ना, हर गांव अपना अपना क्षेत्र से, कहीं को ऐंच ची, कहीं को भूई ची, कहीं को ठेठ मूड़ ची, बहुत सारे गदरा से हम सभी सब महिला हम यो डाला ना यहाँ से ना। हम 8 लड़ हर गांव में 8-8 लोड़ी से ना, 8 लोड़ी आगर भी से ना, 8 ढोनिक भी से ना, 8 कोयली भी से ना, 8 कोर जाना भी से। मनीषा देवी जी, हरेला पर्व पायण बनचाणु पूरा मला उत्तराखंड भाई बहन होता है और जो हमारा प्लायन में भी सिर्फ एक दिन हरेला पर्व मनाना, तो मैं ये बताना चाहूँ सिर्फ हरेला पर्व एक दिन नहीं मनो तो एक संरक्षण भी कान, जैसे कि हमारा हर साल मतलब हर दिन हरेला पर्व छो, हम यो अपने बहुत सारे गदरा में आंदा छिन यो यो डाल लगौना हम और तू को संरक्षण करता। सिर्फ मतलब यो दिन हरेला पर्व मतलब कागजों में दिखेता या कहीं मूल्य गेता, सिर्फ ते रोपीता कुछ हरेला पर्व नहीं मनो। हरेला पर्व हर साल हर दिन मना, जैसे हम तो मतलब सारी सुख सुविधा। बौसारी क्षेत्र के अगल बगल और निचले गाँव में गर्मियों के समय पेयजल का भारी संकट बना रहता है। इस पथरीले पहाड़ पर कोई पेड़ न होने के कारण इस क्षेत्र के प्राकृतिक जल स्रोत भी ग्रीष्म काल में सूख जाते हैं। भविष्य में ये समस्या और विकराल रूप धारण न करे, इसके लिए इस निर्जन बीहड़ पथरीली पहाड़ी पर मिश्रित वन हरियाली उगाने के साथ साथ यहाँ करीब 1200 चालखाल और खंतियाँ बनाई गई हैं, ताकि वर्षा जल का संग्रहण भी हो सके। तत्कालीन जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल आज प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर तैनात होने के बावजूद भी लगातार भौंसारी वाटरशेड फाउंडेशन के न केवल संपर्क में हैं, बल्कि वो समय समय पर पौधों की प्रगति की जानकारी भी लेते हैं। पर्यावरण प्रेमियों और महिलाओं की अनूठी पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में न केवल मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि दर्जनों गाँव में भविष्य में होने वाली पेयजल किल्लत से भी निजात मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।